देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 1,65,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 4,706 हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमण से अब तक 71,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज यहाँ से सामने आए हैं। लगातार कोरोना के आंकड़े देश में बढ़ते हुए 24 घंटे में 175 कोरोना पॉजिटिव की मौत। कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ४,706 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं देश भर में। 89,987 एक्टिव केसेस और पिछले 24 घंटे में 175 कोरोना पॉजिटिव अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार कोरोना वायरस का कहर देश में बढ़ता जा रहा है। अधिक अपडेट के लिए हमारी संवाददाता प्रीत किरण फोनलाइन पर जुड़ चुकी हैं। प्रीत, देखिए आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी की है। लॉकडाउन 4 क्योंकि खत्म होने जा रहा है, तो क्या बातचीत वहां पर रही और ये आंकड़े किस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं, कौन कौन से एज ग्रुप के जो मरीज हैं वो फिलहाल सामने आ रहे हैं? देखिए मनीषा, कल जिस तरीके से गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों से बातचीत की गई, खुद इस बात का जायजा गृह मंत्री ने लिया और मुख्यमंत्रियों से फीडबैक लिया। तमाम जो राज्य हैं उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनसे फीडबैक लिया कि क्या किस स्टेट में कितने पॉजिटिव मरीज हैं और किस तरीके से वहां पर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, जो भी सरकारों की ओर से फीडबैक दिया गया। क्योंकि 1 तारीख से होम मिनिस्ट्री की ओर से नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी, जिसमें काफी कुछ रियायत दी जाएगी सूत्रों के अनुसार जो सामने निकल करके आ रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन को लेकर रियायत दी जाएगी और रोजगार संबंधी काफी रियायतें होंगी। लेकिन बावजूद इस जो लॉकडाउन है, जिस तरीके से लोगों को घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है, वो कंटिन्यू रहने की बात की जा रही है। फिलहाल 1 तारीख से पहले होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये एडवाइजरी जारी करने की पूरी तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल प्रीत किरण, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच लॉकडाउन 4 भी खत्म होने वाला है, तो नई जो रणनीति है किस प्रकार से आगे की व्यवस्थाएं होगी उसको लेकर अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत की।